भारत में वह होगा जो दुनिया में नहीं हुआ है। वह एक गरीब घर में पैदा होगा, वह दुनिया का मुक्तिदाता होगा। पहले सब उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सभी उससे प्रेम करेंगे। दोस्तों, ये भविष्यवाणी एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसकी एक भी भविष्यवाणियां अब तक झूठी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नास्त्रेदमस की, जिनकी की हुई भविष्यवाणियां एक भी झूठी नहीं हुई है। नास्त्रेदमस ने भारत के विषय में भी कुछ भविष्यवाणियां की है जो अब तक सच होते आई है और आगे भी सच होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं वे भारत के विषय में क्या क्या भविष्यवाणी कर रखी थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको नास्त्रेदमस द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सच में हैरान करने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरीज यानी 1200 चौपाइयां लिखी है, जिसमें अब तक 955 अस्तित्व में हैं। इनमें से लगभग 3000 भविष्य कथनों पर वर्णन है। पिछले 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य हुई है। उनके सेंचुरीज में सन 3797 तक की भविष्यवाणियां की गई है। फ्रांस के मेस बाबाहम ने 4 मई 1955 को फ्रांसीसी भाषा में नास्त्रेदमस की पुस्तक का प्रकाशन किया था। नास्त्रेदमस ने भारत के विषय में जो भविष्यवाणियां की थी उनमें से कुछ घटित हुई है तो कुछ अभी बाकी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ नास्त्रेदमस द्वारा भारत के विषय में की गई 10 भविष्यवाणियों को। नंबर 10, सेंचुरी 6 के 74वें दोहे में उन्होंने भारत के विषय में कहा है कि निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद लगभग 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होगी, जिसे इंदिरा गांधी से जोड़कर देखा जाता है। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, परंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी हत्या कर दी गई उस समय उनकी उम्र 67 वर्ष की थी। नंबर 9, सेंचुरी 6 के चतुर्थ भाग के दोहा नंबर 75 में नास्त्रेदमस ने लिखा है कि राजाज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला उस विस्फोट में अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग कुद्र हो जाएंगे, जिसका साफ मतलब संजय गांधी से है। संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपने माता इंदिरा गांधी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। उसके 7 वर्ष बाद 1991 में उनकी हवाई जहाज विस्फोट हादसे में मृत्यु हो गई। नंबर 8, बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे, उनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा एवं कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने ऐसा कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाले का घर भंग हो जाएगा। विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए। चंद्रशेखर ने दबाव के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ न देते तो क्या करते, जिसे लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक ही रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। वही महान बाढ़ की बात करें तो हाल ही में एक तो कश्मीर में और दूसरा केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जिसके बाद देश की परिस्थिति बदल गई। तो वहीं पहले मुखिया को बनाने वाले का घर भंग हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है, इसलिए यह भविष्यवाणी चंद्रशेखर पर फिट बैठती है। नंबर 7, एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी। भारी मारकाट से सब बौखला जाएंगे। एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा एवं संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है। दूसरा हिस्सा व्याख्याकार के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ही अपने देश से दूर जापान और जर्मन में जाकर वहां के शासकों की मदद से भारत को आजाद कराने का सपना देखा था, फौज भी तैयार की थी और एक युद्ध में भाग भी लिए थे। नंबर 6, सेंचुरी 6 के 17वां दोहा में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता को तबाह कर देंगे, पुस्तकें आदि फूंक डालेंगे,
ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। ये भविष्यवाणी भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला से जोड़कर देखा जाता है। जब बर्बर आक्रमणकारियों के हमले ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, हजारों मंदिरों व महलों को नष्ट कर दिया था। यह बात सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की बौद्ध एवं हिंदू सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया था। नंबर 5, सेंचुरी 1 के 50वां सूत्र के अनुसार लिखा है कि तीन ओर से घिरे समुद्र के क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होगा। नास्त्रेदमस के भविष्यवाणी के अनुसार तीन ओर से समुद्रों से घिरा देश भारत ही है। भारत में बृहस्पतिवार एक ऐसा दिन है जिसे सभी धर्मों के लोग समान रूप से मानते हैं। वैसे तो इस धरती पर पहले भी श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि का जन्म हो चुका है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी का पूर्ण होने का इंतजार है। नंबर 4, 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरन या सरन होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। यह सेंचुरी 2027 में लिखा है। नास्त्रेदमस के भविष्यवाणी के अनुसार भारत के पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जो 5 नदियों से घिरा है। तो क्या पंजाब में होगा उस महान राजनेता का जन्म? इस भविष्यवाणी के सत्य होने का इंतजार है। नंबर 3, भारत में वह होगा जो दुनिया में नहीं हुआ है। वह एक गरीब घर में पैदा होगा। वह दुनिया का मुक्तिदाता होगा। पहले सब उससे नफरत करेंगे, फिर धीरे धीरे सब उससे प्रेम करेंगे। दोस्तों, यह भविष्यवाणी और सेंचुरी 1 के 50वां भविष्यवाणी कहीं न कहीं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करती है, क्योंकि तीनों ओर से समुद्रों से घिरा भारत ही है। वैसे कुछ और देश भी हैं, पर उन देशों के बारे में यह कहना सही नहीं होगा। आपको इस भविष्यवाणी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2, 196 में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। वैसे चांद पर आधारित धर्म एक ही है, वो है इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं, उनमें से केवल हिंद महासागर के नाम से ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। वैसे आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन नास्त्रेदमस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। नंबर 1, तृतीय विश्व युद्ध को लेकर नास्त्रेदमस लिखते हैं कि अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। सेंचुरी 6 के 62वें दोहे में उन्होंने यह बात कही है, जिसका मतलब चीन का धर्म और वहां की सरकार अनिश्वरवादी ही है। पर यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।